नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अपराधियों के हौसले फरीदाबाद में बुलंद होते जा रहे हैं। दिन दहाड़े युवक पर हमला करते हैं और वारदात को अंजाम देकर मौके से भाग जाते हैं। बदमाशों को ना तो प्रशासन का डर है और ना ही पुलिस का। सेक्टर 14 निवासी सचिन और अन्य 5 युवकों ने सागर ग्रोवर नाम के युवक पर हमला कर उसे जान से मारने की कोशिश की। पहले तो उन बदमाशों ने सागर ग्रोवर की कार के पहिए के नीचे एक बड़ा पत्थर रख दिया ताकि सागर ग्रोवर कार भगा ना सके और बाद में सभी युवकों ने मिलकर हमला कर दिया। पुलिस ने अलग अलग धाराओं के तहत सचिन और अन्य युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करके सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुट गई है। सेंट्रल थाना इलाके में पार्किंग विवाद को लेकर दो पड़ोसियों में झगड़ा हो गया। आसपास के लोगों ने दोनों परिवार को समझा बुझाकर मामला शांत करवा दिया, परंतु सागर ग्रोवर जब अपनी गाड़ी से ऑफिस के लिए जा रहा था तो सेक्टर 12-15 की रेड लाइट पर दो कार उसका पीछा कर रही थी। करीब दो गाड़ियों में 5-6 युवकों ने सागर ग्रोवर पर हमला कर दिया। ताबड़तोड़ लाठी डंडों और हाथ घूसों से सागर ग्रोवर पर हमला किया गया। मौके पर दो पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, परंतु वे तमाशबीन बने रहे। ये पूरी घटना रेड लाइट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने सचिन और उसके अन्य साथियों के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की कोशिश करने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता रिंकू शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संजीव ग्रोवर जी। मैं 1232 सेक्टर 14 में रहता हूँ जी। मेरे सामने 1204 में सचिन सरीन रहता है जी। कल शाम को मेरे बेटे की उससे बहस हो गई जी। जो मैंने रात को सुलझा दी, माफीनामा करा दिया जी। लेकिन आज सुबह 11 बजे जब मेरा बेटा आ रहा था ऑफिस के लिए तो 15 सेक्टर की रेड लाइट पे दो गाड़ियाँ जिनका नंबर 69 था दोनों का, उन्होंने आगे पीछे गाड़ी लगा के गाड़ी के टायर के आगे बहुत बड़ा पत्थर रख दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सागर ग्रोवर जी। कहाँ रहते हैं आप? 1232 सेक्टर 14 जी। तो क्या वारदात हुई आज आपको? सर जी, आज जब मैं घर से निकला ऑफिस जाने के लिए जी। मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे कोई लगा हुआ है, तो मैं ऑफिस जा रहा था, फ़ोन पे बात कर रहा था काम में। सुबह सुबह बंदा काम में ध्यान दे रहा होता है, लेकिन जब मैं 15 सेक्टर की रेड लाइट पर रुका तो दो गाड़ियाँ आके रुकी, दोनों का नंबर 69। मैं इसलिए जानता हूँ वो गाड़ियाँ किसकी हैं क्योंकि वो बंदा भी साथ में था और 3-4 लोग और थे जिन्होंने दे धनाधन। सर, कल एक मामला आया था जहाँ पर दो पक्षों में सेक्टर 15 की रेड लाइट को लड़ाई आई थी, क्या है पूरा मामला? हाँ, इसमें कल दिनांक 16 को सेक्टर 14 में रहने वाले ग्रोवर सागर ग्रोवर के ऊपर हमला हुआ था सेक्टर 14-15 की रेड लाइट पे। ये इनके जो जिनके खिलाफ दी है वो उनके पड़ोसी है, दोनों पड़ोसी है उनका। पहले भी 15 तारीख को झगड़ा हुआ था आपस में, जो सामाजिक रूप से समझौता हो गया था, जिसके कारण जब कंप्लेनेंट ग्रोवर अपने ऑफिस जा रहा था सुबह तो 12-15 की रेड लाइट पर जब ये रुका है तो 3-4 गाड़ी पीछे से आई है और इसके गाड़ी के आगे पत्थर लगाकर इसके चारों तरफ से इस पर हमला शुरू कर दिया है, जिससे एक शीशा तो नहीं टूटा है लेकिन हमला करके वो हमलावर भाग गए थे, जिसके कंप्लेनेंट की दरखास्त पे FIR दर्ज की गई है जिसकी तफ्तीश अभी जारी है। सीसीटीवी कैमरे में लगे हुए हैं, कब तक खंगाले जाएंगे? सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनको देखा जा रहा है और गाड़ी की पहचान करके आरोपी को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, टोटल कितने लोगों के खिलाफ FIR हुई है? अभी नाम बाय नेम तो एक ही हुई है और को अभी ढूंढ देखा जाएगा कितने लोग थे। और अभी एक के नाम FIR हुई, क्या नाम है? बाय नेम तो ये सचिन के ही है और भी 3-4 लोग हैं उसमें, अभी उनको कैमरे में देख के पहचान की जाके उनको उनकी भी तलाश जारी है अभी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।